देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत के सपने को पूरा करने के लिए वाराणसी अशोका इंस्टीट्यूट की छात्रा अंजलि ने देश के बॉर्डर एरिया में तैनात अपने जवानों की सुरक्षा के लिए एक ऐसा रोबो हेलमेट बनाया है जो दुश्मन पर गोलियां दाग सकती है। इस हेलमेट को सर पे पहनने के साथ जमीन पर भी चलाया जा सकेगा। ये रोबो हेलमेट पीछे से हमला करने वाले दुश्मनों से अपने जवानों को अलर्ट करता है। रोबो हेलमेट वायरलेस टेक्नोलॉजी से लैस है। इस हेलमेट का एक वायरलेस फायर ट्रिगर है जो रेडियो फ्रीक्वेंसी की मदद से हेलमेट में लगे बैरल से जुड़ा होता है। इस ट्रिगर को किसी भी तरह के राइफल गन के ट्रिगर के पास लगाया जा सकता है और धोखे से कोई दुश्मन पीछे से हमला करने की कोशिश करता है तो हेलमेट जवान को अलर्ट कर देता है, जिसे समय रहते वायरलेस ट्रिगर की मदद से रोबो हेलमेट गन के पिछले हिस्से में लगे बैरल से फायर कर जवान अपना बचाव कर सकेंगे। इसके साथ ही इस वायरलेस रिमोट की मदद से इस रोबो हेलमेट को दुश्मन के एरिया में भी भेजकर गोलीबारी की जा सकती है। यह वजन में काफी हल्का है। यह हेलमेट 360 डिग्री में चारों तरफ घूमकर दुश्मन को टारगेट कर सकता है। इस रोबो हेलमेट का प्रोटोटाइप वाराणसी अशोका इंस्टीट्यूट के रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में तैयार किया गया है। इसे संचालित करने का रेंज प्रोटोटाइप में 50 मीटर के करीब है। हेलमेट में लगे गन की मार की क्षमता प्रोटोटाइप में 100 मीटर लगभग है। इसे बनाने में 15 दिन का समय लगा है और 7,000 से 8,000 रुपये का खर्च आया है। जी, मैंने अपने देश के सैनिकों की सुरक्षा के लिए एक आविष्कार किया है जिसका नाम रोबो हेलमेट है। इस हेलमेट की खासियत यह है कि कभी भी हमारे सैनिकों पे कई बार हम देखते हैं कि पीछे से उन पे अटैक हो जाता है, उन्हें अपने आप का बचाव का मौका नहीं मिल पाता। ये सोचकर मैंने इस हेलमेट में पीछे सेंसर फिट किया है ताकि कभी भी उन पे अगर पीछे से कोई अटैक करता है तो एक ह्यूमन सेंसर के ज़रिए उन्हें ये अलर्ट मिल जाता है कि उनके पीछे कोई है और वो समय रहते अपनी जान बचाकर उन पे फायरिंग कर सकते हैं। इसकी और भी खासियत है, जैसे अगर कभी हमारे सैनिक घायल हो जाते हैं, इस स्थिति में हमारा ये हेलमेट एक रोबोट का आकार लेकर खुद जाकर इसकी व्हील्स निकल जाएंगे और ये खुद जाकर हमारे दुश्मनों पर अटैक करेगा। जी, अभी हम हाल ही में देख रहे हैं जैसा कि कई बार हमारे पड़ोसी देश हमारे भारत पे अटैक कर रहे हैं और बॉर्डर्स पे उन्हें सुरक्षा का मौका नहीं मिल पाता और हमारे जवान शहीद हो जाते हैं। ये सोचकर मैंने इस रोबो हेलमेट का आविष्कार किया ताकि वो खुद को सुरक्षित कर सकें। और इसकी और भी खासियत है कि मैं इसे पूरी तरह से बुलेट प्रूफ बना रही हूँ ताकि हमारे सैनिक पे कभी भी इसका कोई अटैक ना हो। और कभी भी मान लीजिए वो कैंप में भी अपने रहते हैं, वो सोए रहते हैं, कई बार होता है उन पर अटैक हो जाता है, तो ये हेलमेट हमारा एक बाहर किसी के सहारे बाहर एक कैंप के ऊपर भी हमारा अगर रख दिया जाए तो ये हमारे चारों तरफ से सेंस करके पूरे एरिया को कवर करेगा और एक सेंसर की मदद से उन्हें यह अलर्ट करेगा। कभी भी अगर उसे कोई मोशन दिखता है तो वो वहाँ पर फायरिंग करके हमारे पूरे एरिया की सुरक्षा भी करेगा। जी, इसको पूरा बनाने में मुझे कुछ 2 महीने का वक्त लगा है और इसमें अभी बहुत काम बाकी है। अभी मैंने सिर्फ एक मॉडल, एक प्रोटोटाइप तैयार किया। अगर सरकार मेरी मदद करती है तो मैं इसे एक बड़े रूप में, एक एक्चुअल, एक प्रैक्टिकल रूप में मैं इस पूरे रोबोट को तैयार करना चाहती हूँ ताकि जिसे डायरेक्ट हम अपने सोल्जर्स तक पहुँचा के उन पर प्रैक्टिकल करके दिखा सकें और उन तक कर सकें। तो मेरी सरकार से मैंने रक्षा मंत्रालय में भी एक लेटर के थ्रू उन्हें रिक्वेस्ट की, अगर उनको ये मेरा आइडिया पसंद आता है तो वो हमारे जवानों तक भी इसे ज़रूर पहुँचाने में मेरी मदद करें। CEA News वाराणसी से कैमरामैन बाबू के साथ रवि सिंह की रिपोर्ट।